अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अभी हमने इससे पहले बात की क्रोमेटिन के बारे में, लेकिन आप सबको पता है कि जो डीएनए है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बारे में बहुत टाइम तक रिसर्च चली और बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे कुछ अभी एक्सपेरिमेंट है जिनके बेसिस जो मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने परफॉर्म करवाए कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास कौन थे, मिश्र थे। नाम याद आ रहे हैं इनका? मिश्र ने क्या किस चीज की डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक सब्सटेंस को देखा था। अब उनको यही पता था कि ये डीएनए है, लेकिन उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियन का। उसके बाद मेंडल भी आए, तो मेंडल ने भी इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल दिए। लेकिन बहुत टाइम तक ये हमें नहीं पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे कौन कौन से, अब देखिए ग्रिगर मेंडल आए, उसके बाद टीएच मॉर्गन भी आए, बाकी भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये काम किया। और ये क्वेश्चन हमेशा उनके माइंड में रहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जेनेटिक मटेरियल है कौन। क्वेश्चन क्या रहा, व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल, जिसका आंसर हमें अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो हम यहाँ पे अभी कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था और ध्यान रखना इन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज किया था। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर हम कर आ चुके हैं, तो आपको पता है ना ये बैक्टीरिया क्या करवाता है, निमोनिया कॉज करवाता है, याद है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया डिजीज कॉज करवाता है। तो हमारे पास ही जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, इन्होंने इसी बैक्टीरिया के ऊपर और एक माइस का यूज करके एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहाँ पे ये थ्योरी अगेन वही दोबारा रीड करेंगे बाद में, पहले एक बार जस्ट ओनली कुछ रीड कर लेते हैं कुछ चीजें। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या काम किया, चलो एक्सपेरिमेंट बाद में, पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया यूज किया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब उन्होंने यहाँ पे जो वो बैक्टीरिया था ना, उसके उन्होंने यहाँ पे टू डिफरेंट स्ट्रेन लिए। क्या किया उन्होंने, जो वो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसको उन्होंने यहाँ पे टू डिफरेंट स्ट्रेन लिए। एक स्ट्रेन को हम बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड सेकेंड उन्होंने लिया यहाँ पे रफ स्ट्रेन। तो आपको उसका सरफेस से ही पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए इसका सरफेस एकदम स्मूथ है और यहाँ पे रफ वाले का सरफेस क्या है, थोड़ा सा भी रफ है। रीजन क्या है, ये स्मूथ क्यों हुआ और ये रफ क्यों है? जो हमारे पास ये स्मूथ वाला स्ट्रेन है, हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसका जो सरफेस है ना, इसके सरफेस पे क्या होता है, पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होती है। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो इसको पूरा एकदम यहाँ पे स्मूथ बनाता है। लेकिन जो रफ वाला होता है, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से क्या बनता है, रफ बनता है। और हमने क्या देखा कि जिसके ऊपर हमारे पास ये पॉलीसेक्राइड की कोटिंग है, जो स्मूथ वाला है, यही वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब है क्या है कि यही डिजीज कॉज करता है। जो रफ वाला स्ट्रेन है, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करता। तो हमने यहाँ पे माइस का यूज किया और हमने क्या किया, जो हमारे पास एस स्ट्रेन था बैक्टीरिया का, हमने उसको यहाँ पे इंजेक्ट करवा दिया इस माइस के ऊपर और हमने देखा माइस की डेथ हो गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमने किया कि हमने रफ स्ट्रेन लिया, माइस को हमने इंजेक्शन लगाया, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर ही अभी भी लिविंग है, इसका इसको कुछ नहीं हुआ। सेकेंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या काम किया, जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने क्या काम किया, जो हमारा एस स्ट्रेन था, हमने इसको हीट किल कर दिया और इसको लाइव आर के साथ हमने इसको मिक्स करवा दिया। उसके बाद हमने इसको इंजेक्ट करवाया माइस के अंदर, हमने देखा माइस डेड हो गया। अभी थर्ड वाला क्या है, ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि ये आर क्या है और यहाँ पे ये एस क्या है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है, उन्होंने कल्चर प्लेट पर ग्रो करवाया,
कुछ बैक्टीरिया कैसे प्रोड्यूस हुए, स्मूथ शाइनिंग एस लोन, और कुछ प्रोड्यूस हुए रफ वाले। रीजन क्या है, रीजन आपको समझ आ गया, एस स्ट्रीम के पास क्या है, म्यूकस पॉलीसेक्रेट का कोट है और आर स्ट्रीम के पास नहीं है। तो माइस इन्फेक्टेड होगा एस स्ट्रीम से क्योंकि वही वायरुलेंट है, वही डिजीज कॉज करेगा, क्योंकि जिस भी माइस के अंदर हमने एस स्ट्रीम लगाया है उसको क्या हो जाएगा, निमोनिया, बैक्टीरिया है निमोनिया कॉज करता है, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जाएगी। लेकिन आर स्ट्रीम वाला निमोनिया कॉज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्या है, वो नॉन वायरुलेंट है। अब यहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट वन बाय वन देखते हैं, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, बस उन्हें आपको नाम याद रखना है, प्रिंसिपल का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और इसके अलावा इन्होंने इसको कब कराया था, 1928 में। अब यहाँ पे देखिए क्या है मेथड, इन्होंने यहाँ पे चार तरीके लिए। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला वाला देखिए, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई है। जो सबसे पहले वाली जो बीकर है उसमें इन्होंने कैसा कैसा बैक्टीरिया लिया है, वायरुलेंट लिया है। वायरुलेंट मतलब इन्होंने यहाँ पे एस टाइप का लिया है। इन्होंने इसको इंजेक्ट कहाँ पे करवाया, माउस के अंदर, माइस के अंदर इंजेक्ट करवाया, और हमने क्या देखा, माइस इंफेक्ट हो गया निमोनिया से और इसकी डेथ होगी, माउस डाइज। अब हमने क्या काम किया, हमने इस माइस को देखा, अब हम इसको देखना चाहते थे कि इसको हुआ क्या। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, रीजन क्या निकला कि हमारे पास ये जो माइस जो है इनकी बॉडी में हमें क्या मिला, वायरुलेंट टाइप का बैक्टीरिया रिकवर हुआ, जिससे हमें क्या पता चला कि ये जो माइस है इनकी डेथ का रीजन क्या है, डेथ का रीजन है, डेथ का रीजन क्या है, एस टाइप का स्ट्रेन जो डिजीज कॉज करवाता है। सेकेंड पे हमने यहाँ पे देखी, हमने यहाँ पे क्या चीज ग्रो करवाई थी, इस फ्लास्क के अंदर देखिए क्या चीज हम ग्रो करवा रहे हैं, आर टाइप का स्ट्रेन जो क्या है, नॉन वायरुलेंट है। अब हमने इसी बैक्टीरिया को कहाँ पे इंजेक्ट करवाया, माउस के अंदर, और हम देख रहे हैं माउस क्या है, लाइव है, कुछ नहीं हुआ। अब हमने दोबारा ऑटोप्सी की, ऑटोप्सी ये करा, इनको स्टडी करना, तो हमें यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया रिकवर नहीं हुआ, इनका इनका हमने ब्लड लिया और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। अब थर्ड वाला देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थर्ड एंड फोर्थ वाला, इसको ध्यान से समझना। थर्ड वाले में क्या हुआ, उन्होंने हीट किल्ड किया। अब देखिए जो ये जो पहले वाला था ना, एस वाला भी लिया, एस वाले को उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, हीट किल्ड किया इसको, मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा दिया कि ये पूरा का पूरा किल हो जाए। उसके बाद इन्होंने इसको बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया, सॉरी माइस के अंदर इंजेक्ट किया। उन्होंने क्या काम किया, जो बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन है उसको उन्होंने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, हीट किया इसको, इतना गर्म किया कि ये क्या हो जाए, किल हो जाए। अब उसके बाद इन्होंने इसको इंजेक्ट किया, तो उन्होंने क्या देखा कि माउस क्या है, जिंदा है, लाइव है। और जब उन्होंने ऑटोप्सी की इस माइस की, तो उनको कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं मिला। अब फोर्थ वाले में देखना, फोर्थ वाले में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। फोर्थ वाले में इन्होंने मिक्सचर लिया बैक्टीरिया का, किस किस का मिक्सचर लिया, जो पहला वाला था, एक मिनट, मिक्सचर किस किस का लिया, एक तो ये बी वाले का और यहाँ पे सी वाले का। बी वाला कैसा था, बी वाला था आर टाइप का, और ये सी वाला कैसा है, एस टाइप का है, लेकिन एस टाइप कैसा है, हीट किल्ड है, हमने उसको किल किया हुआ हीट देकर। तो यहाँ पे फोर्थ वाले में देखिए क्या चीज हम ले रहे, अ मिक्सचर ऑफ टाइप, मतलब आर बैक्टीरिया एंड हीट किल टाइप एस बैक्टीरिया आर इंजेक्टेड इनटू अ माउस। जब हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो आप देख सकते हो माइस की डेथ हो गई। अब आप समझो यहाँ पे कितना बड़ा ट्विस्ट आया है कि आर वाला तो हमारे पास क्या है, आर वाला तो ऐसे डिजीज कॉज नहीं करता था, और ये वाला तो हमने ऐसे इसको डेड कर दिया था हीट किल करके, बट उसके बावजूद भी ये माइस कैसे डाइड हो गया। तो जब हमने यहाँ पे ऑटोप्सी की तो हमें क्या मिला, हमें इस बैक्टीरिया के अंदर वायरुलेंट बैक्टीरिया मिला, और वो भी एस टाइप का, आर टाइप का नहीं मिला। तो यहाँ पे इसके ऊपर काम चला कि ऐसे कैसे होगा। ए वाला समझ आ गया कि डिजीज कॉज वायरुलेंट था, डिजीज कॉज की डेथ हो गई। सेकेंड वाला समझ आ गया नॉन वायरुलेंट था, तो यहाँ पे डिजीज कॉज नहीं, इसलिए वो जिंदा है। थर्ड वाला हमने हीट किल कर लिया था, पूरा ही उसको किल कर दिया, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। लेकिन थर्ड वाले में क्या हुआ, सॉरी लास्ट वाले में, फोर्थ वाले में,
कि जब हमने मिक्सचर लिया इस हीट किल्ड वाले का और आर टाइप का, तब हमें यहाँ पे कैसे कैसे ये माइस डेड हो गया, और जब हमने टॉक्सी की तो हमें यहाँ पे एस टाइप के बैक्टीरिया मिले हैं, और वो भी सोचो लिविंग रिकवर जो हुआ है। समझ आ रहा है आपको इस बात, एक्सपेरिमेंट समझ आया आपको? तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस था हीट किल्ड वायरल बैक्टीरिया से, जो जनरली आपका कहां पर ट्रांसफर हो गया, आर बैक्टीरिया के अंदर, जिसने उसको लाइव कर दिया। उन्होंने क्या कहा, कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा हीट किल्ड वायरुलेंट एस टाइप था, उससे पक्का कोई ना कोई चीज ट्रांसफर कहां पे हुई है, आर टाइप के बैक्टीरिया में। हमने क्या कहा, जो हीट किल्ड वायरुलेंट है यहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है। अब उनको खुद नहीं पता था क्या हुई है, इसीलिए एक्चुअली उन्होंने ना जो क्या चीज यहाँ पे ट्रांसफर हुई है ना, उसी को नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, कि कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है जो एस से कहां पे ट्रांसफर हो गया है, आर बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया है, जिसने इसको आर बैक्टीरिया को क्या बना दिया, लाइव बना दिया। अब ये आर टाइप का बैक्टीरिया क्या बन गया, अब ये बन गया एस टाइप का। समझ पा रहे हो, आर और एस में क्या फर्क है, इतना सा ही फर्क है ना, कि आर वाला हमारे पास आपका नॉन वायरुलेंट और ये वाला वायरुलेंट है। तो इस एस हीट किल्ड से एस में ट्रांसफर हो गया, सॉरी आर में ट्रांसफर हो गया, और आर वाला क्या बन गया, एस टाइप का बन गया। तो क्या चीज ट्रांसफर हुई, ये तो इनको भी पता नहीं था। इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ चीज जरूर ट्रांसफर हुई, इसी के नाम पे नाम पड़ गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर हुआ आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट? कंक्लूजन क्या है ये बता दें, फिर उसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इतनी चीज समझ आई कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है, फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में, ठीक है जी।